परम गुरु स्वामी पोप फ्रांसिस ने एक मीटिंग जो सिनड हम कहलाते हैं 2023 में रखने के बारे में सोचा और उसके तैयारी के लिए उन्होंने पूरे कलीसिया को एक प्रकार से बुलावा दिया कि वे सब लोग इसमें सहभागी हो सकते हैं और इस यात्रा पर हम सब लोग चल सकते हैं। हमारे इस बम्बई धर्म प्रांत में कार्डिनल ऑस्वाल्ड ग्रेशियस ने इसका उद्घाटन 17 अक्टूबर 2021 में किया। होली नेम कैथेड्रल में उन्होंने एक मिसा अर्पण कर इसके पश्चात एक छोटी सी कमेटी बनाई गई। फादर बिशप ऑलवेन उनके सूत्र संचालन कर रहे थे, उनको मार्गदर्शन कर रहे थे और इस प्रकार से ये छोटी सी टीम ने ऐसा निश्चय लिया कि हम लोगों से वार्तालाप करेंगे, बातचीत करेंगे और उन्होंने अलग अलग लोगों को कहा कि तुम क्या चाहते हो, तुम्हारा अनुभव क्या है कलीसिया के बारे में, उसको आप बताएं। और इस प्रकार से विविध लोगों ने बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक बस्ती बस्ती में हर एक पैरिश के अंदर ये कार्रवाई शुरू की, जहाँ पर केवल उनके सोच क्या है, उनके विचार क्या है, वो क्या समझते हैं, क्या उनके प्रॉब्लम्स हैं, क्या उनके दिक्कतें हैं, कलीसिया के बारे में उनकी सोच क्या है, किस प्रकार से कलीसिया होनी चाहिए, तो इस प्रकार का विचार उनके सामने रखा। और ऐसे विविध लोगों ने अपने अपने विचार प्रकट किए, युवकों ने प्रकट किया, छोटे बच्चों ने प्रकट किया, महिलाओं ने प्रकट किया, कम्युनिटी सेंटर ने प्रकट किया, माइग्रेंट्स लोगों ने प्रकट किया, तो इस प्रकार से बड़ी संख्या में सभी लोगों ने अपनी अपनी सोच केवल मीटिंग द्वारा नहीं बल्कि कई बार उन्होंने ऑनलाइन पर भी बता दिया। बहुत सारे प्रतिसाद उनको मिले हैं और ये सब एक प्रकार से उनको कोलेक्ट किया गया, उनका संवेश किया गया। और इसके बाद में हम लोग ने, इस छोटे कमेटी ने सोचा कि एक प्रतिनिधियों की मीटिंग हो जाए जहाँ पर वे सब लोग आकर यहाँ पर बातचीत कर सकते हैं। और इसमें ये 2 दिन का जो सिनोडल मीटिंग हम कहते हैं, डेलीगेट्स की मीटिंग्स हुई हैं यहाँ पर और यहाँ से हम लोग आगे क्या सोच सकते हैं ये विचार हम प्रकट कर रहे हैं। ये जो सभा सेंट पायस कॉलेज बॉम्बे के गोरेगांव में जो उपस्थित है वहाँ पे हो रही है, पहली दफ़ा हमें यहाँ आने को मौका मिला है। यहाँ पे आने के बाद मैंने जब देखा कि अलग 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 ग्रुप के लोग हैं, जहाँ पे बिशप्स हैं, फादर्स हैं, सिस्टर्स हैं, यूथ हैं, अलग अलग कम्युनिटी के लोग यहाँ पे आकर के इस सभा में सहभागी हुए हैं, वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि कहाँ पे ना ऊंच नीच है, ना भेदभाव है, सब हम एक ही जगह में सब बैठे हुए प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं, सेशन सुन रहे हैं एंड वहाँ पे सहभागी हो रहे हैं, ये बहुत अच्छा लगा। अलग अलग सेशंस में ये समझाने की कोशिश किया जा रहा है कि एक सिनोडल चर्च किस प्रकार से होना चाहिए और किस प्रकार हम लोग अपना डायसिस को, हम अपने आप को क्रिस्तीय विश्वास में आगे ले जाना चाहिए। ये मैं यहाँ और एक बार दोबारा इसको रिन्यू कर रहा हूँ अपने आप को। यहाँ पे आके मेरे को सीखने को बहुत मिला कि हमारे कलीसिया के लिए हम लोग क्या सोचते हैं, क्या हम लोग उसके बारे में फेथ रखते हैं, हमारे जो कलीसिया है उसको किस तरह से हम लोग को आगे लेके जा सकते हैं। ऐसे ही अभी तक मेरे को अनुभव लगा और बहुत अच्छा लगा क्योंकि हर पल में, हर घड़ी में, हर समय में, हर सेशन में एक अलग अनुभव सीखने को मिल रहा है। यस, यहाँ पे हर एक को मौका मिला, जो भी आया हुआ है सबको ग्रुप ग्रुप में बांटा गया है और सभी को बोलने का मौका मिला है। माइक कोई भी लेके कुछ भी उसके मन में आ रहा है, कोई भी वहाँ पे प्रस्ताव रख सकता है। यहाँ पे अच्छा एक प्लेटफॉर्म है जो हमारे कलीसिया के लिए रख सकते हैं। मैंने देखा कि अच्छे अच्छे प्रस्ताव वहाँ पे रखे हैं जो उनको लगता है कि हमारे कलीसिया की इसकी ज़रूरत है। और यहाँ सीखने को मिला कलीसिया के साथ मिलके सब एक साथ कैसे हम गिरजा को, कलीसिया को आगे बढ़ाएंगे, ये सब सुनने को, समझने को, सीखने को मिला मुझे और बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं यहाँ पे शामिल हुआ हूँ।
मेरा अनुभव ये था कि जो सिनोडल जर्नी है ये है कि सब चर्च में एक साथ मिलके हम जो कुछ भी कर रहे हैं, हमको ऐसा लगता है कि इस सिनोडल जर्नी के बाद कुछ चेंजेस होना चाहिए, हमारा चर्च में कुछ बदलाव होना ही चाहिए। लोगों का पार्टिसिपेशन इन द चर्च एक्टिविटीज ऑफ द चर्च में शामिल हो। मैं बहुत सालों से मुंबई डायसिस में कार्यरत हूँ। जो भी इश्यूज हमने काम किया है, जब कभी भी हमने रखा है कि ठीक है ये जरूरत है, उन्होंने सुना है, उन्होंने उसको एक्सेप्ट करके उनको आगे बढ़ाने के लिए सहयोग दिया है। अब मुझे डेफिनेटली उम्मीद है आज जो हमने चर्चा की है, अलग अलग विषयों में चर्चा की है, एंड ये वही चीज पहले जैसे करते आ रहे हैं उससे भी बेहतर करेंगे, क्योंकि इसमें इस मीटिंग में सबको एक साथ ला करके, सबकी भावनाओं को स्वीकार करके, सबकी समस्याओं को सुन करके, उन्होंने अच्छा से कंपाइल करके उसको इम्प्लीमेंट करने की प्रयास कर रहे हैं। ये सिर्फ वो सुनने की काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसको कैसे कामों में लगाएं उसकी प्रयास है। इंडिविजुअल होने के नाते, मैं एक व्यक्ति होने के नाते मेरा परिवार के प्रति मेरा जिम्मेदार होगा, साथ साथ परिवार के साथ साथ मेरे को अपना चर्च के लिए भी जिम्मेदारी होगा, पैरिश प्रीस्ट के लिए भी जिम्मेदारी होगा, अपने बिशप के लिए भी जिम्मेदारी होगा। तो ये मुझे बहुत अच्छा सीखने को मिला और ये मेरा जिम्मेदारी लेके मैं जा रहा हूँ, अपना जिम्मेदारी को मैं बखूबी निभाने की कोशिश करूँगा। मेरा सपना ये है कि कलीसिया यूनिटी में रहे और एक दूसरे को अपनाए, जैसे कि जीसस ने अपने चेलों के साथ सब लोगों के साथ मिलजुल के रहते थे। सबका मत लिया गया है, लेकिन जो अच्छा चीज है, जो अच्छा मत है, जो अच्छा विचार है, उनको हमको आगे लाना चाहिए। उसके बाद जो भी अच्छे विचार हैं उसके हिसाब से आगे का प्लानिंग करना चाहिए कि हम लोग कैसे ये सब चीज़ों को एक साथ ला के कलीसिया को आगे बढ़ाएंगे। उम्मीद है कि जरूर बदलाव आएगा। यहाँ पर जो भी कुछ आज होने वाला है, जितने भी प्रतिक्रियाएँ आई हैं, उसको लेकर नेशनल लेवल पर लिया जाएगा, राष्ट्रीय लेवल पर ले जाएगा, और वहाँ से वे लोग इंटरनेशनल लेवल पर ले जाएंगे, जहाँ पर ये सब सोच एकत्रित कर जो मीटिंग 2023 में होने वाली है वह उसके लिए बहुत ही उपयोगी होगी। तो इस प्रकार से हर इंसान को ये मौका मिला है कि अपना जो चाहता है वो कलीसिया के अंदर वो व्यक्त करें, और मैं चाहता हूँ कि इससे सिनर्ड जो होने वाला है 2023 में बहुत ही फायदा होगा, और इस सोच विचार के साथ कलीसिया आगे बढ़ेगी, यही मेरी तमन्ना है, यही मेरी आशा है।